Hello, 9th class. Now, this is the turn for the topic. Did women have a revolution? कि क्या women जो हैं क्या उन्होंने revolution में participate किया था, French revolution में उनका क्या role रहा? ठीक है, तो अगर आपको याद हो जो हमारा first page था about French revolution, तो इसमें ये था कि ये रहा यहाँ पर Men and women gathered in front of town hall and decided to form a people's militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. Iska matlab women's were also there in the French Revolution. Participate kiya tha unhone. Theek hai? So this is from the very beginning, women were active participants. Theek hai? तो डेड वुमेन हैव अ रिवोल्यूशन, तो येस दे हैड. अब आंसर करेंगे हम कैसे. टू सपोर्ट द आंसर देखो, वुमेन जो थी वो पार्टिसिपेट करती थी और वो गवर्नमेंट पे प्रेशर भी डालती थी, किस लिए, ताकि उनकी लाइफ इम्प्रूव हो, उनको भी कुछ राइट्स मिले. ठीक है, अब जो थर्ड स्टेट वाली जो वुमेन्स थी वो अपने घर का काम भी करती थी, प्लस दे हैड टू वर्क फॉर अ लिविंग, अपने मतलब थोड़ा बहुत फाइनेंस भी उन्हें देखना पड़ता था. ठीक है, अब कैसे कैसे काम करते थे वो लोग, जैसे लॉन्ड्री का काम हो गया, फूल बेचना, सब्जियां बेचना, फ्रूट्स बेचना, इस तरीके के छोटे छोटे काम वो करते थे. ठीक है, एंड वुमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन, वो लोग पढ़ाई वढ़ाई में उनका कोई ऐसा संबंध नहीं था, या फिर जॉब वगैरह की कोई ट्रेनिंग नहीं मिलती थी. किसको मिलती थी, जो नॉबल्स, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के जो लोग होते थे. ठीक है, और उनको भी पहले स्कूल में पढ़ाते थे एंड देन अरेंज मैरिज हो जाती थी उनकी. ठीक है, अब वुमेन को मैंने आपको लास्ट क्लासेस में भी बताया था, उनको दोनों काम करने पड़ते थे, घर का काम भी, पानी भी लेके आना है, ब्रेड के लिए लाइन में लगना है, बच्चों की देखभाल करनी है और काम भी करना है ना. और काम करने के साथ देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन, ये तो हमारे यहाँ भी है ये चीज़ तो. ठीक है, अच्छा फिर क्या हुआ बाद में, थोड़े दिन बाद उन्होंने अपने पॉलिटिकल क्लब्स बनाने शुरू कर दिए. पॉलिटिकल क्लब्स तो वो लोग बना सकते थे, और 60 क्लब्स जो हैं वो बन गए थे. ठीक है, और उनमें एक फेमस जो था उसका नाम था द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन. ठीक है, दिस पेज मस्ट बी क्लियर. अच्छा, अब ये जो पॉलिटिकल क्लब्स बनाते थे इनकी डिमांड क्या थी, डिमांड ये थी इनकी कि इन्हें ना राइट्स चाहिए, पॉलिटिकल राइट्स, कि भाई जो आपको, जो आपने मेन को दिए हैं एज सिटीजन्स, हमें भी दो, वी आर ऑल्सो सिटीजन्स ऑफ फ्रांस. 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उससे ये लोग बहुत डिसअपॉइंटेड थे वेमेन, भाई हमने बराबरी में पार्टिसिपेट किया, सब कुछ करते हैं, अगर आप लड़ाई करने जा रहे हो तो हम घर पर सब संभाल रहे हैं, घर चला रहे हैं, एंड स्टिल What did you do? कि तुमने हमें क्या कर दिया, पैसिव सिटीजन में इंक्लूड कर दिया, हमारे पास प्रॉपर्टी नहीं है तो तुमने क्या कर दिया भाई, कि तुम वोट नहीं दोगे. तो इन्होंने डिमांड क्या रखी कि वी शुड हैव राइट टू वोट, कि हम भी इलेक्शन लड़ेंगे और हमारा भी एक असेंबली में सीट तुम दो, पॉलिटिकल ऑफिस हम लेंगे. ठीक है, अच्छा फिर रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट में इसमें थोड़ा सा वुमेन की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए कुछ लॉज बनाए, कैसे कि स्कूलिंग जो है वो कंपलसरी हो गई, और उनको फोर्स मैरिज में नहीं इंडल्ज किया जाएगा, मतलब उनकी मर्जी के बिना शादी अब नहीं हो सकती है. मैरिजेस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं और सिविल लॉ के अंदर आने लग गई हैं. डिवोर्स जो है वो लीगल हो गया, मतलब डिवोर्स जो है अब मैन और वेमेन दोनों फाइल कर सकते हैं. ठीक है, और वो छोटे मोटे जॉब्स कर सकते हैं और अब आर्टिस्ट भी बन सकती हैं और बिजनेस भी चला सकती हैं. ठीक है, अच्छा ड्यूरिंग द रीन ऑफ टेरर, मतलब किसकी बात हो रही है, ये रोबेस्पियर के टाइम की, 1793 to 1794, उस टाइम क्या हुआ कि वुमेन का जो क्लब्स वगैरह का और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का सिस्टम चल रहा था उसको बैन करा दिया उन्होंने. ठीक है, कुछ वुमेन्स को अरेस्ट भी करा दिया. तो वहाँ की जो सिचुएशन थी फ्रांस की वो गड़बड़ी चल रही थी, मतलब उन्हें पॉलिटिकल राइट्स मिले ही नहीं. राइट टू वोट फ्रांस में कब मिला, 1946 में वुमेन को. ठीक है, और मेन को कब मिल गया था, 1791, 200 साल के आसपास का टाइम ये लोग ले गए. और इंडिया के अंदर हमें
मेन और वुमेन दोनों को एक साथ ही राइट मिल गया था, राइट टू वोट, यूनिवर्सल राइट फ्रेंचाइज हमें तभी मिल गई थी ना। ओके, नेक्स्ट हेडिंग इज द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी होता है भाई, आपको अगर मैंने कभी बताया हो, हालांकि बताया होगा तो मैं याद हो तो वो बात अलग है, फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी होती है हमारी फोर्स्ड लेबर या फिर बाउंडेड लेबर, ठीक है। अच्छा, उनको हिंदी में बोलते हैं बंधुआ मजदूर। तो फ्रांस में ये क्या सिस्टम था स्लेवरी का, वो देखते हैं। तो यहाँ पर जो मतलब कॉलोनीज थी वहाँ बहुत, तो ये ऐसे ऐसे टोबैको हो गया, इंडिगो हो गया, शुगर हो गया, कॉफ़ी हो गया, तो ये कमर्शियल जो क्रॉप्स थी ये बहुत ज़्यादा उगती थी। तो इसके लिए क्या चाहिए होता था, लेबर, है ना। तो कॉलोनीज के लिए लेबर चाहिए, अब लेबर कहाँ से जाती थी, लेबर क्या, वो तो स्लेव्स जाते थे। द स्लेव ट्रेड बिगेन इन 17th सेंचुरी, फ्रेंच मर्चेंट सेल्ड फ्रॉम द पोर्ट ऑफ बॉर्डेक्स। देखो, फ्रांस से शुरू करते थे, फिर अफ्रीका पहुंचते थे, अफ्रीका से फिर उन्हें टाइटली पैक कर देते थे, और कहाँ जाते थे, सेरेबियन, ठीक है, मतलब यूरोप की तरफ चले जाते थे। और फिर उनको कहाँ बेचते थे, वो प्लांटेशन ओनर्स के लिए के पास, ठीक है, मतलब जो जो खेती में उन्हें यूज़ करते थे वहाँ पर फिर वो लोग जाते थे, ठीक है। अच्छा, जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, उन्होंने इसको कई बार डिबेट में लेके आए कि भाई ये जो रूल है ये हटना चाहिए, कि तुम स्लेवरी कर रहे हो, गलत बात है, इलीगल इसको करना चाहिए, लेकिन वो लोग नहीं कर पाए क्योंकि वो बिजनेसमैन का अपोजिशन उनको लग जाता था कि भाई वो अपोज करेंगे, ठीक है। देन इन 1794 फ्री एक लेजिस्लेशन पास हुआ, जिसके अंदर क्या हुआ कि जितने भी फ्रेंच और ओवरसीज, मतलब जो बाहर के देशों में भी सब जो स्लेव्स हैं उनको फ्री किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद थोड़े दिन बाद नेपोलियन जब वापस आए 1815 में, वो वापस आए थे, उन्होंने फिर रीइंट्रोड्यूस कर दिया कि नहीं, स्लेवरी तो हम करेंगे। स्लेवरी वॉज फाइनली अबॉलिश्ड इन फ्रेंच कॉलोनीज इन 1848। तो दिस डेट हैज़ टू बी रिमेम्बर्ड। तो क्या हुआ बेसिकली, देखो जो पिछले वाला सब टेक्स्ट था उसमें था वुमेन, कि क्या वुमेन का कोई रिवोल्यूशन में कुछ था, तो येस दे डेड है, दे डेड। अच्छा, पार्टिसिपेशन उनका था, कैसे था, सबसे पहली बात तो देवर ये एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन वो जो बेस्ट स्टाइल वाला हुआ था इशू, ठीक है। देन दे फॉर्म पॉलिटिकल क्लब्स एज वेल, है ना। फिर दे यूज टू हैव होम हाउस होल्ड वर्क, प्लस फाइनेंस भी देखते थे वो लोग कि भाई खर्चा कैसे चलाना है, प्लस टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन, तो ये सारे काम भी वो लोग करती थी, है ना। ओके, तो इनको प्रॉब्लम कहाँ आई, इनको प्रॉब्लम ये आई कि उनको जो है पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिली, दे डिडन्ट गेट इक्वल राइट्स फॉर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791, इसीलिए वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, थोड़े दिन बाद फिर इनके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट्स आए, रिफॉर्म्स आए, और उन रिफॉर्म्स में क्या हुआ कि इनके लिए स्कूलिंग हो गई, कि चलो भाई तुम स्कूल हुआ हो। फिर मैरिज वॉज नॉट फोर्स्ड, कि मैरिज जो है वो फोर्स नहीं होगी। देन डिवोर्स फाइल कर सकते हैं आप, और आप अपने छोटे मोटे बिजनेस कर सकते हैं। ऑल राइट, अच्छा, देन वोटिंग राइट कब मिले ने 1946 में, और बस ये कि बीच में जब रीन ऑफ टेरर हुआ उस टाइम पर इनकी ये जो ये क्लब्स वगैरह की और जो न्यूज़पेपर ये लोग करते थे और एक्टिव पार्टिसिपेशन जो था वो बंद कर दिया गया था, अदरवाइज दे वर एक्टिव। देन स्लेवरी भी अगर हम आए तो स्लेवरी जो है फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांस से शुरू हुई, कहाँ जाते थे, अफ्रीका,
और उसके बाद 3 महीने के लिए इन्हें पैक करके भेज दिया जाता था यूरोप। यहाँ से इनको कौन खरीदता था? प्लांटेशन ऑनर्स। ठीक है, प्लांटेशन ऑनर्स कौन होते हैं? जो कमर्शियल खेतियाँ कराते हैं इनसे, टी, कॉफ़ी, शुगर एट्सेट्रा। ठीक है, अच्छा, फिर इनके लिए 1794 में कन्वेंशन आया कि भाई जितने भी स्लेव्स हैं, फ्रेंच स्लेव्स, उनको फ्री करो। ठीक है, देन कुछ दिनों बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, नेपोलियन भाई साहब आए, उन्होंने इसको री इंट्रोड्यूस किया। अठारह सौ चार में आ गया था नेपोलियन फ्रांस। ठीक है, इनको री इंट्रोड्यूस कर दिया इन्होंने, और फ्रांस में से स्लेवरी एक्चुअली हट गई कब? 1848 में, तो अबॉलिश हो गई, खत्म हो गई। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज